स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल हस्ती क्रिएशन में। मैं हूं राज उजाला। आज के ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूं क्लोन स्टेम के कुछ शॉर्टकट्स, जिससे आपका रीटचिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और आप इजी रीटच कर सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारी आज की वीडियो। फोटोशॉप में मैंने एक इमेज ओपन की है, इनको आप हमें इस स्टोन को यहाँ पे से हटाना है। तो इसे आप कैसे इजीली हटा सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ इनके कुछ शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो में जाने के बाद यहाँ पे अरेंज में आप लास्ट में जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, जो कि आपकी बैकग्राउंड का रीनेम है। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बैकग्राउंड हमारे सेम आ चुके हैं। तो ये दोनों बैकग्राउंड सेम है, डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, दोनों बैकग्राउंड सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ये डुप्लीकेट भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ विंडो में फिर से और यहाँ पे अरेंज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टू अप वर्टिकल। तो यहाँ पे मैंने टू अप वर्टिकल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं दोनों इमेज हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब आप इनका दोनों का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो जब भी मैं कोई वर्क करता हूँ, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, ये हमारी पहली इमेज। अब हमें इस इमेज में रिटच करना है, यानी कि इस टोन को यहाँ से हटाना है। तो इजीली आप यहाँ पे इनका प्रीव्यूज देख सकते हैं कि आपकी रिटच कैसी हो रही है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से पहले मैं न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ कीबोर्ड में से, आप सॉरी लेयर में, यहाँ पे आपको न्यू लेयर, इस तरह से आप न्यू लेयर आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे लेयर पैनल में आप बॉटम में भी यहाँ पे इसका आइकॉन आप देख सकते हैं, यहाँ से भी न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यू लेयर क्रिएट किया है। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ क्लोन स्टेम टूल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कीबोर्ड में से शॉर्टकट की है एस प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टेम टूल सिलेक्ट किया। अब जिस भी एरिया को आपको रिटच करना है आप उनके आसपास से कोई भी सैंपल सिलेक्ट कर लीजिए। सैंपल सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड में से अल्ट की प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखिए और कोई भी सैंपल यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिंपल मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये सैंपल हमने यहाँ से उठा लिया है। तो इस टोन पे हमें चलाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, आप उनका प्रीव्यूज यहाँ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ इस तरह से इनका जो है स्टेम चला रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्टोन यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रही है, देख सकते हैं। तो फिर से मैं एक और न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। अब इस स्टोन को हम यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ से मैंने सैंपल लिया और यहाँ से मैं इसे इस तरह से, तो यहाँ पे आप इनकी प्रीव्यूज देख सकते हैं और इजीली आप कोई भी वर्क इस तरह से आप प्रीव्यू भी देखते जाइए और यहाँ से रिटच करते जाइए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोनों, मैंने कहा आपको फिर से बता देता हूँ कि दोनों इमेज सेम है, नथिंग डुप्लीकेट। ठीक है, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। एक और मैं एग्जांपल आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। फोटोशॉप में आप एक और इमेज देख सकते हैं एक मॉडल की। तो अब मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ से बार बार लेयर क्रिएट करूँगा, आप देखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने न्यू लेयर क्रिएट किया ताकि हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो बनी रहे, वरना इसमें आप अंडू प्रेस करना पड़ेगा और आपकी इमेज भी बिगड़ सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट किया है। स्टेम टूल सिलेक्ट किया है मैंने और यहाँ से आप करंट एंड बिलो सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे इनकी जो चूज है उसे, उस सैंपल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ये अल्ट की प्रेस की है और यहाँ से मैं सैंपल सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप इनका प्रीव्यूज देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारी जो है ब्रश जो स्टैम्प है उस तरह पेंट हो। ठीक है, फिर से मैं न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, इसे हाइड कर देता हूँ। फिर से मैंने यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ से कीबोर्ड में से
शिफ्ट की, अल्ट की और लेस देन की प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी सैंपल है वो रोटेट हो रही है, ठीक है। तो अब हमारी जो इमेज है कुछ इस तरह से रिटच हो रही है, ठीक है। इजीली आप स्टेम को रोटेट कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। फिर से मैंने यहां पे सैंपल लिया है, ग्रेटर देन शिफ्ट अल्ट और ग्रेटर देन प्रेस कीजिए तो आपकी रोटेट फिर से इमेज आपकी दिखाई दे रही है आपको, आपकी जो सैंपल है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो आप इनको पेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से पेंट आपकी इमेज हो रही है। और एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एक और भी मैं लेयर क्रिएट करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने लिया सैंपल और शिफ्ट की अल्ट की प्रेस करके रखिए, आप ब्रैकेट की प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो सैंपल से वो छोटी हो रही है, ठीक है, स्मॉल हो रही है। अब इनको आप ब्रश पेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी स्टैम्पिंग हो सकती है। तो लिटिल मॉडल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्टैम्पिंग को आप रोटेट या स्मॉल या बड़ी कैसे कर सकते हैं मैंने सभी शॉर्टकट आपको इस ट्यूटोरियल में दिखाए। एक और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप विंडो में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोन सोर्स, उन पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपका क्लोन सोर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इनको प्रीव्यूज करके आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी इमेज कैसे रोटेट करनी है, ठीक है। लेकिन मैंने जो शॉर्टकट बताई है आप वहाँ से इजीली स्मॉल बड़ी या रोटेट कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको ये टिप्स अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स फोटोशॉप की आपको मिलती रहे।